मैं कहूं उस कुड़ी नूं सॉरी? मैं कभी नहीं। अरे मैं तो उसकी शक्ल भी ना देखूं, समझते क्या अपने आप को? तू कैसा मिल रहा है हाँ? भूल गया, तेरी माँ को रुलाया उसने। हाय रब्बा, कैसे बेटे दिए मुझे, अपने माँ के आंसुओं की परवाह ही नहीं है इन्हें। अरे माँ, आपने भी तो बहुत कुछ बोला है ना उसको। हाँ तो क्यों ना बोलूं मैं क्यों ना बोलूं? अरे चारों के चारों एक जैसे हैं, एक को कुछ कहो तो बाकी तीन सपोर्ट में टपक पड़ते हैं उसके। मेरे खिलाफ तो जैसे मोर्चा खोल के बैठे हुए, मेरी तो बात ही नहीं माननी उन्होंने। मैं अगर थोड़ी जवान दिखती हूँ लेकिन हूँ तो उनकी मम्मी की उम्र की ना। माँ वो भी तो यही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? अरे यही रेनू देवयानी अन्ना पिया की आप उनकी बड़ी बहन जैसी लगती हैं। अच्छा ऐसे कह रही थी। बेटा जी एक बात कहूं तुमको, ऐसे वो लड़कियां है ना बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से कड़क दिखती है लेकिन अंदर से तो एकदम नरम है, थोड़ी अकड़ू है लेकिन दिल के चारों साफ है। बेचारी बिना माँ की बच्चिया है, अगर मैं थोड़ा सा उनको प्यार दे भी दूं तो कौन सी गलत काम कर रही हूँ मैं? हाँ और तू ना उनके पीछे मत पड़ा कर, हमेशा जब देखो उनके पीछे पड़ा रहता है, दिव्यानी ने ये किया, अनन्या ने ये बोला और क्या किया। बेटा जी लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, लाइफ में एडजस्ट करना सीखो। हाँ चल चल, ये गाजर का हलवा बनाया ना मैंने, जाके उनको दे क्या। अनन्या प्रिया को ये गाजर का हलवा बहुत पसंद है। हाँ जा, जा।